हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही है। मुझे रामाचंद्रन प्लॉट का एक सेकेंड वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं मुझे लगता है कि मैं पहले वीडियो में अच्छे से समझ आपको समझा नहीं पाया। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज जो है, किस क्वाड्रेंट पे फाई और साई का जो वैल्यू है उसका साइन क्या होगा, वो आपको लगता है मैंने अच्छे से समझा नहीं पाया। मैं इस वीडियो पे समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, मैंने आपको बोला था कि पूरे क्वाड्रेंट पे एक्स एक्सिस को हम फाई मान के चलेंगे। फाई कौन सा बॉन्ड था, एन एन सी अल्फा के बीच में जो बॉन्ड था, एंड साई जो है वो था सी अल्फा एंड सी के बीच में जो बॉन्ड था, जो हमारा यहाँ पर वाई एक्सिस है। ओके, इसको हम प्लस 180 मान के चलते हैं, इसको माइनस 180। माइनस 180 जो है वो यहाँ पर फाई का वैल्यू तो है ही, ए शाई का वैल्यू माइनस पार्ट तक डिनोट करता है, मतलब शाई का वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो होगा। ओके, ज़ीरो से अगर आप नीचे आए तो माइनस पे आएगा, और ज़ीरो से अगर आप ऊपर जाए तो प्लस में रहेगा। ओके, सिमिलरली फाई का वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो है, सो ज़ीरो से अगर आप लेफ्ट साइड आए तो आपका वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगा, और यहाँ पर अगर आए तो आपका वैल्यू जो है पॉजिटिव होगा। सो ऑन दैट स्टैंड पॉइंट, अगर मैं आपको बोलूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फाई और साई का वैल्यू क्या होगा, एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। मैंने ये बोला कि आप इसको ज़ीरो मानिए साई के पॉइंट ऑफ व्यू से। साई के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट क्वाड्रेंट ऊपर की तरफ है, तो साई का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, राइट। एंड फाई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो है लेफ्ट साइड में, राइट, फाई का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर हुआ। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर भी साई को माने, साई के ऊपर साइड में ही दो नंबर क्वाड्रेंट प्रेजेंट है, साई का वैल्यू नो डाउट पॉजिटिव होगा, पर फाई का वैल्यू यहाँ पर फिर से पॉजिटिव होगा, क्योंकि फाई का वैल्यू दो नंबर क्वाड्रेंट पे राइट साइड जा रहा है। ओके, समझ में आया। तीन नंबर क्वाड्रेंट पे शाई का वैल्यू नीचे जा रहा है, तो शाई का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा, एंड फाई का जो वैल्यू होगा वो अगेन राइट साइड जा रहा है, तो वो भी नेगेटिव होगा। क्लियर। एंड चार नंबर जो क्वाड्रेंट है, चार नंबर क्वाड्रेंट पे फाई का जो वैल्यू है वो प्लस होगा, एंड शाई का जो वैल्यू है वो नीचे आ रहा है तो माइनस होगा। ओके, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, और मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख भी दिया है, जिससे मैंने जो किया है आप खुद से करके उसको मिला सकते हैं। उम्मीद रखता हूँ कि इसके बाद फाई और शाई का वैल्यू को याद रखने के लिए मैंने आपको तो एक चार्ट दिया ही है पहले वीडियो पे, एंड इस वीडियो की मदद से मैं आशा रखूँगा कि आप लोग और कुछ ना हो, अगर फाई और शाई वैल्यू भूल भी जाए देन जस्ट क्वाड्रेंट को बना के रैप पेज में आप साइन को कंपेयर करके आपको आंसर कर पाए। ओके, एंड अनदर थिंग जो मैंने वहाँ पर शायद अच्छे से समझा नहीं पाया वो था कि डाईहेड्रल एंगल, जो तीन डाईहेड्रल एंगल होते हैं हमारे, फाई एंगल जो होता है एन एंड सी अल्फा के बीच में, शाई एंगल जो होगा सी अल्फा एंड सी के बीच में, एंड ओमेगा एंगल जो होता है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड का एंगल, राइट। ये तीन भाई एक साथ मिलकर एक प्लेन बनाता है। ओके, इसको मैंने अगर ओमेगा माना देन ए होगा शाई। ये तीन मिलकर एक साथ एक प्लेन बनाता है। ओके, और यहाँ पर अगर आपने देखा तो फाई वैल्यू और शाई वैल्यू डिटरमाइन करता है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर मेनली। अगर आपसे कोई पूछे कि फाई और शाई वैल्यू का प्रोटीन का किस स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है, तो आपका आंसर होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ओके, उनका जो वैल्यू होगा वही डिटरमाइन करता है प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्या अल्फा हेलिक्स होगा, क्या बीटा शीट होगा, ऐसे। ओके, ये दो पॉइंट था जो मुझे लगता है रामाचंद्रन प्लॉट के फर्स्ट वीडियो पे मेरा आप लोगों को समझाने में कोई थोड़ी सी लैग रह गई थी। मैंने इस वीडियो पे कोशिश की आप लोगों को समझाने के लिए। उम्मीद रखता हूँ अब रामाचंद्रन प्लॉट का
जो कॉन्सेप्ट है आपके लिए पूरा क्लियर हो चुका है। सो मिलते हैं अगली वीडियो पे। सो क्वेश्चंस थोड़ी दिन बात कराऊंगा आपको, जिससे आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आप भूल जाए, उसके बाद ही मज़ा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, मजाक कर रहा हूँ। सो टाटा।